नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिलाधीश पवनीत कौर की मान्यता से अपर जिलाधिकारी विवेक घोड़के ने विशेष आदेश जारी कर नवरात्रि उपलक्ष्य में शनिवार 1 अक्टूबर को सुबह 6 से रात 12 बजे तक मर्यादित डेसिबल में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। ऐसे में शहर के दर्जनों स्थानों पर हो रहे गरबा रास आयोजन के कार्यक्रम में आज रात 12 बजे तक गरबा उत्सव हो सकता है। इससे पहले गत रोज भी रात 12 बजे तक गरबा उत्सव के लिए छूट दी गई थी। ऐसे में लगातार दो रोज रात 12 बजे तक गरबा रास की अनुमति मिलने से देवी भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं अब कल रविवार 2 अक्टूबर को रात 10 बजे तक ही गरबा उत्सव चलेगा और इसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को रात 12 बजे तक गरबा उत्सव के आयोजन की अनुमति रहेगी। इस समय राज्य में महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर कई तरह के तर्क वितर्क लड़ाए जा रहे हैं। वहीं शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार को चुनौती दी है कि यदि राज्य सरकार में हिम्मत हो तो विधानसभा और महानगर पालिका के चुनाव एक साथ कराया जाए। इसी बीच राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अपने बयान में कहा कि राज्य में चुनाव लंबे समय तक प्रलंबित रहेंगे, यह बताने के लिए किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक चुनाव नहीं करवाए जा सकते, यह बात सभी को पता है। उद्धव ठाकरे के बयान का जवाब देने हेतु चंद्रकांत पाटिल द्वारा दिए गए बयान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, जिसके तहत माना जा रहा है शायद हाल फिलहाल महानगर पालिका के चुनाव होने का कोई संकेत नहीं है और संभवतः मनपा के चुनाव लंबे समय तक यूं ही अधर में लटके रहेंगे। कल शुक्रवार 30 सितंबर को ग्राम विकास विभाग द्वारा जिला परिषदों के अध्यक्ष पद हेतु ड्रॉ निकाला गया, जिसमें अमरावती जिला परिषद का अध्यक्ष पद अगले 2.5 साल के लिए सर्वसाधारण महिला संवर्ग हेतु आरक्षित हुआ है। ऐसे में अब अमरावती जिले का मिनी मंत्रालय कही जाती जिला परिषद में अगले 2.5 साल तक महिला राज रहेगा और सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षण निकलने के चलते जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। राज्य के राजस्व, पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे। उनके हाथों वरुड़ में तहसील कार्यालय की नवनिर्मित इमारत का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे को विभागीय आयुक्त दिलीप पांडार पट्टे बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस आयोजन के दौरान ही मंत्री विखे पाटिल के हाथों विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनकी लाभ राशि का वितरण किया गया। आणि आपण सगळ्यात बघत आहात की खरोखरच ही शासकीय इमारत आहे का असा प्रश्न पडावा इतकी सुंदर इमारत ही इथे उभी राहिलेली आहे। जे पालकमंत्री असताना ज्यांच्या सहीनी वरुडच्या तहसीलसाठी निधी मंजूर करण्याचं पत्र दिलं ते आज पुन्हा महसूल मंत्री म्हणून आपल्या तहसीलच्या लोकार्पणासाठी आलेले आहे राधाकृष्णजी विखे पाटील। राष्ट्र नेता ते राष्ट्रपिता या सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने ज्यामध्ये आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांचा 17 तारखेला वाढदिवस होता आणि 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची जयंती आहे। असा एक पंधरवड्याचा योग साधत आज सेवा सप्ताहाचं आयोजन राज्य सरकारने केलेलं आहे आणि त्याचं औचित्य म्हणून आज आपल्या वरुड येथील नवीन तहसील कार्यालयाचं आज उद्घाटन संपन्न होत आहे। मी प्रथमतः या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं या ठिकाणी जाहीर करतो। तर या पंधरवड्यामध्ये अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व्हावा असा प्रकारचा प्रयत्न सरकारचा आहे। वरुड तहसील कार्यालय की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण करने के साथ ही पशु संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मोर्शी वरुड तहसील क्षेत्र में लंपी स्किन डिसीज से प्रभावित रहने वाले गांवों को भेंट दी। साथ ही इस बीमारी के संक्रमण की चपेट में रहने वाले जानवरों को भी देखा। इस समय उन्होंने शेंदुर्जना घाट के पशु वैद्यकीय दवाखाना क्षेत्र में लंपी प्रभावित परिसर का दौरा किया और पशु संवर्धन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पशुपालकों से भी तमाम जरूरी सावधानियां बरतने हेतु कहा। तिसऱ्या चौथ्या दिवशी झालेला आहे, कारण हा इन्क्युबेशन पिरियडमध्ये होत आहे, निवड लसीकरण झाल्यामुळे दुसरे जनावर वाचले। तर आता या सिव्हिअर कॅटेगरीमध्ये गेले, दिस केस नीड्स मॉनिटरिंग। लंपी त्वचाचा जो रोग आहे त्याचा प्रादुर्भाव 15-20 दिवसापूर्वी जो होता त्याची तीव्रता आता मागच्या 2-3 दिवसाच्या जर आपण पाहिलं तर ती कमी होत चाललेली आहे। राज्य के पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज अमरावती दौरे पर रहते समय मोर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हुए सुमनताई माणिकराव मेटकर कृषि फार्म को भी भेंट दी, जहां पर उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने मेटकर परिवार द्वारा स्थापित इस कृषि फार्म को अपनी शुभकामनाएं दी और यहाँ पर चलने वाले कामकाज को भी देखा। तो
आणि अविरत परिश्रम घेऊन त्या मातोश्री पोल्ट्री फार्मचं जो आज कार्यक्रम झालेला आहे त्याचे सर्वे रवींद्र नेक्षरी यांच्या प्रसंग मला आपल्या सर्वांच्या वतीने अभिनंदन करायचं आहे। इसके साथ ही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में लंपी स्किन डिसीज को लेकर समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने जिले की स्थिति को लेकर जानकारी प्राप्त करते हुए राजस्व एवं पशु संवर्धन महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एकूण लसीकरण जो है तो साधारण मैं सांगितल्याप्रमाणे 72 लाखापर्यंत गेले, 1,40,00,000 पशुधन है, परंतु ज्या भागामध्ये लंपी त्वचा रोगाचा आजार होता राज्य संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये त्या 5 किलोमीटर पर क्षेत्रात त्याचं लसीकरण मात्र 100% झालेलं आहे। ही पहिल्यांदा भारत सरकारच्या सूचना होत्या आणि आता अमरावती विभागाचा जर विचार करायचा ठिकाण झाला तर लसीकरण जे आहे ते अमरावती विभागामध्ये अमरावती जिल्ह्याचे 80% झाले, अकोल्याचे 109% झाले, बुलढाणा 87%, वाशिम 102%, यवतमाळ थोड़ा मागा है। करीब एक माह पहले मेलघाट क्षेत्र के एक गांव में कुछ पालतू मवेशी लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी की चपेट में आए थे और देखते ही देखते एक माह के भीतर जिले के 180 गांवों के 6,608 पालतू मवेशी इस बीमारी के संक्रमण का शिकार हुए। इसमें भी विशेष उल्लेखनीय यह है कि विगत 10 दिनों के भीतर ही जिले में 4,638 जानवर इस बीमारी के संक्रमण की चपेट में आए हैं। साथ ही बीते एक माह के दौरान लंपी स्किन डिसीज की वजह से 159 जानवरों की मौत हुई। हालांकि राहत वाली बात यह भी रही कि इस दौरान 2,900 जानवर इस बीमारी के संक्रमण की चपेट में आकर इलाज पश्चात संक्रमण मुक्त हो गए। शहर के वसंत चौक स्थित वेंकटेश बालाजी मंदिर में 1,200 ग्राम शुद्ध सोने से गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। आज शाम तक गरुड़ स्तंभ पर सोने के पतरे चढ़ाने का काम पूरा हो जाएगा और सोमवार को इस स्तंभ को खड़ा किया जाएगा, जिसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में बड़े विधि विधान के साथ इस स्तंभ का पूजन होगा। ऐसी जानकारी आज दोपहर बालाजी मंदिर के वर्तमान न्यासी मंडल द्वारा दी गई। साथ ही बताया गया कि भगवान बालाजी और लक्ष्मी जी तथा पद्मावती की प्रतिमाओं की प्रभाव को भी सोने से मढ़ा जाएगा। महानगरपालिका प्रशासन द्वारा संपत्ति कर की दरों को बढ़ाने का निर्णय लेने के साथ ही संपत्ति धारकों को वृद्धिगत दरों वाला संपत्ति कर अदा करने हेतु नोटिस जारी करनी शुरू कर दी गई है। साथ ही वसूली अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका विरोध करते हुए अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोली की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा संपत्ति कर की दर वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता तो दशहरे के बाद अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा महानगर पालिका पर विशालकाय मोर्चा ले जाया जाएगा और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। महानगरपालिका प्रशासन की ओर से जारी आर्थिक वर्ष के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स में की गई वृद्धि को लेकर महानगर चैंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मिलकर उन्हें कर वृद्धि को रद्द करने का निवेदन दिया और इस बारे में विस्तार के साथ चर्चा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत गदरो शेगावनाका परिसर स्थित अभियंता भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील देवधर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे, जिनका राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, पूर्व महापौर किरण महले व भाजपा पदाधिकारी नितिन गुर्जर द्वारा स्वागत किया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकालजी की उपस्थिति में आज कैंप स्थित देशमुख सभागार में विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी उल्लेखनीय रही। शिक्षकों के प्रलंबित मसलों के संदर्भ में शिक्षक संगठनों के निवेदन अनुसार अमरावती पंचायत समिति में गट विकास अधिकारी राजेंद्र देशमुख और गट शिक्षा अधिकारी अजित पाटिल ने गत रोज शिक्षक संगठनों की शिकायत निवारण बैठक का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दीक्षित और जिला सचिव किशोर मालोकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के विभिन्न प्रलंबित मुद्दों को उपस्थित किया। जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में लागू किए गए KPI के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवा भारत व हेल्पिंग फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा इरविन चौक परिसर में शहीद स्तंभ पर सलामी दी गई। सड़क दुर्घटना में घायल महिला को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उस महिला की मौत हुई। उसका स्वास्थ्य ठीक रहने के बाद भी डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई, इस आशय का आरोप लगाते हुए महिला के रिश्तेदारों के साथ शिवसैनिकों ने कल शुक्रवार की रात जिला शल्य चिकित्सक के कार्यालय में ठिया आंदोलन किया और लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किए जाने की मांग की।
शहर के प्रतिष्ठित नागरिक रहे एकनाथराव कोरडे के द्वितीय पुण्यस्मरण पर उनके पुत्र डॉक्टर सचिन कोरडे व बहू डॉक्टर रूपाली कोरडे द्वारा अपने मित्र परिवार व अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप परिसर स्थित अमरावती कंत्राटदार एसोसिएशन के सभागार में पीडीएमसी की ब्लड बैंक व अमरावती रक्तदान समिति के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्त संकलित हुआ। होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर आयोजित बारिश्ता गरबा उत्सव के तहत गत्रो तिरंगा थीम और नारी शक्ति थीम पर रास गरबा का आयोजन हुआ। इस समय परीक्षक के रूप में भाजपा की पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे, मनपा के शहराध्यक्ष संतोष बद्रे तथा सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु वेद व कुंजन वेद उपस्थित थे। बड़े उमंग व उल्लास के साथ चल रहे इस गरबा उत्सव में रोजाना ही गरबा खेलने हेतु गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। गर्ल्स हाईस्कूल के प्रांगण में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर गत रोज पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, युवा स्वाभिमान के जिलाध्यक्ष विनोद गुहे तथा भूषण फरतोड़े जैसे गणमान्यों ने सदिच्छा भेंट दी। इस गरबा उत्सव में एक से बढ़कर एक स्पर्धाएं आयोजित की गई है और गरबा प्रेमियों का उत्साह बढ़ाने के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। सराफा बाजार परिसर स्थित कालाराम मंदिर में नवरात्रोत्सव के निमित्त शक्कर साथ गुजराती समाज द्वारा गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर पारंपरिक वाद्यों व गीतों के साथ गरबा खेलते हुए भाविक श्रद्धालुओं द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है। राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित सूर्य रात्रि गरबा महोत्सव में युवाओं के जोश से तालियों की गूंज और डांडियों की खनक से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। राठीनगर स्थित नौजवान दुर्गा मंडल द्वारा नवरात्रोत्सव में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही गरबा उत्सव का भी आयोजन किया गया है। यहां पर राठीनगर परिसरवासियों सहित आसपास के लोग बाग बड़े उत्साह के साथ गरबा खेलने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। साईनगर परिसर की फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित बड़गुजर स्पोर्ट्स अकादमी में इस समय गरबा महोत्सव की धूम चल रही है, जहां पर गत रोज पंचमी के अवसर पर 5 दंपतियों के हाथों दुर्गा देवी व स्कंद माता रूपी कन्याओं का पूजन किया गया और रास गरबा खेलकर माता की आराधना की गई।
नवरात्रोत्सव के निमित्त पंचमी के मुहूर्त पर शिवसेना की ओर से स्थानीय राजकमल चौराहे पर भावी श्रद्धालुओं के बीच करीब 3 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी का वितरण कल 30 सितम्बर को शाम 6 बजे किया गया। विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में छोटी मोटी घटनाओं को लेकर धार्मिक और जातीय तनाव होने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसमें भी अचलपुर शहर को धार्मिक तनाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां पर आज तक कई बार धार्मिक व जातीय दंगे भी हो चुके हैं। लेकिन उसी अचलपुर में कल इंसानियत, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सौहार्द का एक अनूठा दृश्य दिखाई दिया, जब बीती रात 9 बजे के आसपास जगदम्बा देवी संस्थान परिसर में नवरात्र के निमित्त आयोजित गरबा उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू था और डांडिया के 2 राउंड भी हो चुके थे। लगभग इसी दौरान पता चला कि परिसर में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल हो गया है और थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति का जनाजा डांडिया मंडप के पास से ही होकर गुजरने वाला है। यह पता चलते ही अखाड़े के प्रमुख विजय महाराज भुजाड़े ने तुरंत गरबा व डांडिया को रुकवाने और जनाजे के गुजरने तक शांति बनाए रखने का आदेश जारी किया, जिसका सभी उपस्थितों ने पूरी तरह से पालन भी किया। इस समय गरबा के उमंग व उल्लास में रहने वाले सभी भाविक श्रद्धालुओं ने अपने स्थान पर खड़े रहकर जनाजे के शांतिपूर्वक ढंग से उस परिसर से होकर गुजरने का इंतजार किया। इस घटना के चलते संवेदनशील माने जाते अचलपुर में धार्मिक सौहार्द व सामाजिक एकता का एक अनूठा नजारा भी दिखाई दिया। 2 दिन पूर्व स्थानीय सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में तेंदुए की मौजूदगी रहने की बात सामने आई, जहां पर तेंदुए के पगमार्क यानी फुटप्रिंट पाए गए। वहीं इस महाविद्यालय के पीछे कठोरा मार्ग स्थित होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में तेंदुए की एक जोड़ी दिखाई दी है, जिससे पूरे परिसर में तेंदुए को लेकर अच्छा खासा डर व्याप्त है। वन विभाग द्वारा इन तेंदुओं को पकड़ने हेतु विविध उपाय योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत संबंधित इलाकों में वन कर्मचारियों की रात्रिकालीन गश्त शुरू करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इस समय जिले में 8 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 2 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2 व ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 2 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजापेट शाखा में उजागर गोल्ड लोन घोटाला मामले में अब यह जानकारी सामने आई है कि इस गोल्ड लोन घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रहने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चपरासी अरुण पारेकर ने अपना भंडाफोड़ होने से बचने हेतु विगत दिसंबर माह से कई खाताधारकों को पुलिस में जाने से रोका था और उनके साथ बाहर ही अपने स्तर पर प्रभारी लाखों रुपए का सेटलमेंट कर लिया था, जिसके तहत 2 लोगों को 10 लाख व 7 लाख रुपए देकर सेटलमेंट किया गया था। वहीं एक खाताधारक को चुप रहने के लिए राजकमल चौक पर दुकान दिलवाई गई थी। दरियापुर से अंजनगांव मार्ग पर लेहगांव फाटे के समीप एक मोटरसाइकिल को बस ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में प्रवीण गवई नामक युवक की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान यहीं से गुजर रहे पूर्व मंत्री व विधायक रंजीत पाटिल ने अपने वाहन को रोककर तुरंत आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। परतवाड़ा चिखलदरा मार्ग पर धामनगांव गढ़ी के पास एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल बुरी तरह से चकनाचूर हो गई और मोटरसाइकिल सवार राजू मावासकर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में विशाल काले नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अमरावती रेफर किया गया है। इसके अलावा जासू मावासकर नामक घायल महिला को परतवाड़ा के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यवतमाल के जलगा निवासी 37 वर्षीय पुरुषोत्तम नामदेव चौधरी के साथ किसी साइबर अपराधी द्वारा 1,58,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। चौधरी फिलहाल मुर्शी में रहते हैं और वहीं पर नौकरी करते हैं, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक लिंक भेजी थी, जिसे डाउनलोड करते ही उनके खाते से रकम उड़ गई। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष दल ने गाड़गे नगर व नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे 2 जुआ अड्डों पर छापा मारकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नगद रकम सहित 1,000 रुपए का माल बरामद करने में सफलता मिली। नांदेड़ अकोला राष्ट्रीय महामार्ग 161 के वाशिम हिंगोली मार्ग के बीच वाशिम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर तुंडगांव फाटा परिसर में बनाए गए टोल नाके की छत भरभराकर जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। विद्यालय स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए 500 रुपए की रिश्वत लेने वाले अकोला समाज कल्याण विभाग के निरीक्षक ब्रह्मदेव लोले को 2 वर्ष 6 माह कारावास की सजा अकोला के जिला व सत्र न्यायालय द्वारा कल सुनाई गई। बुल्ढाना के श्रीधरनगर घाटपुरी में हुई सड़क हादसे में एक 50 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त खामगांव निवासी वसंतराव देशमुख के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।